प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो बाद में खुद भी उसमें गिर जाता है। एक बार जंगल में घोड़ा और भैंस साथ साथ रहा करते थे। दोनों में एक दिन किसी बात पर झगड़ा हो गया। भैंस ने गुस्से में आके अपना सींग घोड़े के मार दिया। घोड़े के चोट लगी। उसने सोचा, मेरे तो सींग नहीं है, मैं इससे कैसे बदलूं। वह मनुष्य के पास गया। मनुष्य से बोला कि तुम भैंस की पिटाई करो। मनुष्य बोला, मैं भैंस की पिटाई कैसे कर सकता हूँ, वो तो बहुत मोटी ताजी होती है, उसके सींग भी होते हैं। घोड़ा बोला, तुम मेरे ऊपर बैठना और हाथ में डंडा लेके रखना, मैं दौड़ूंगा और तुम भैंस को डंडा मारना। भैंस दौड़ते दौड़ते थक जाएगी और तुम उसको पीट पीट के अधमरा कर देना। तो आदमी बोला कि मैं उसे पीट के अधमरा कर भी दूं, उसमें मेरा क्या फायदा होगा। घोड़ा बोला, भैंस बहुत मीठा दूध देती है, तुम उसका दूध काम में लेना, तुम्हारे बच्चे उससे हुष्ट पुष्ट हो जाएंगे। आदमी बोला, फिर ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। दूसरे दिन यही हुआ। आदमी घोड़े की पीठ पे बैठा और उसने फिर भैंस की पिटाई की। भैंस बेचारी घायल हो गई। आदमी भैंस को घर ले आया और बांध दिया। घोड़ा बोला, ठीक है, मेरा काम पूरा हुआ, अब मैं चलता हूँ। आदमी हंसने लगा, ऐसे कैसे चलता हूँ, मुझे नहीं पता था कि तुम सवारी करने के लिए इतने अच्छे हो, अब मैं तुमको भी बांधूंगा और भैंस को भी बांध के रखूंगा। तब से भैंस और घोड़ा दोनों ही आदमी के पालतू जानवर हो गए। देखा दोस्तों, भैंस को फंसाने के चक्कर में घोड़े ने अपनी आजादी भी खो दी। इसीलिए कहते हैं कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद भी उसमें ही गिर जाता है।